कोरोना महामारी में कई निजी अस्पतालों पर आपदा में अफसर के आरोप लगते हैं। सरकार कोरोना महामारी की मुसीबत से जल्द छुटकारा चाहती है, इसके लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। किसी को इलाज में दिक्कत ना आए, आर्थिक संकट ना हो, निजी अस्पतालों के मनमाने बिलों की वजह से किसी का इलाज ना रुके, इसके लिए सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों को इलाज करने के आदेश दिए। मगर सरकार का ये आदेश रसूखदार निजी अस्पतालों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आयुष्मान कार्ड पर इलाज की मांग करने वालों को प्रबंधन गार्ड से बाहर फेंकने की धमकी देता है। भोपाल के चिरायु अस्पताल में ऐसे ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। मामला भोपाल शहर के रसूखदार डॉक्टर अजय गोयनका के विवादास्पद निजी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का है। यहाँ का प्रबंधन अपनी ही सरकार चलाता है। जी हाँ, इस अस्पताल का प्रबंधन प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश को जूते की नोक पर रखता है। आपको बता दे, कुछ दिन पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी का इलाज आयुष्मान कार्ड से करने की आदेश जारी किए थे, मगर आपदा में मिले इस अफसर को कौन मुफ्त में जाने देता है साहब। एक माँ का बेटा, जिसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, उसने बस ये कहा था, मेरी माँ के इलाज का खर्च आयुष्मान कार्ड से ले लीजिए। बस फिर क्या था, रसूखदार डॉक्टर अजय गोयनका के चिरायु अस्पताल की पूरी पोल खुल गई। पहले तो आयुष्मान कार्ड पर इलाज करने से चिरायु अस्पताल ने साफ इनकार कर दिया। जब गुहार लगा रहे लड़के ने कारण पूछा तो मैनेजर बोला, गार्ड बाहर फेंक दो इसे। पहले आप ये वायरल वीडियो पूरा देखिए, कैसे ये मैनेजर धमका रहा है। This is Chirayu Medical College and Hospital. Yes. And according to Dr. Goenka, who is the owner of this hospital, he has decided that Ayushman card will not be applicable in COVID-19 treatment from April, whenever the order has came. We have all told this to every authorities. We won't accept Ayushman card. Video ban karo. And the reason for that, I mean, I don't care the reason. You are not answerable. We are not answerable to you. Ki reason kya dena hai? We are answerable to the government. We'll give the answer to the government. Close the video and get out. Okay, listen to me. Listen to me. I won't listen to you. The government has a list of hospitals. बाहर फेंको इसको. पहले हम आपको पूरे मामले की हकीकत बता दें। दरअसल योगेश बलवानी ने 19 अप्रैल को अपनी माँ को कोरोना का इलाज कराने के लिए चिरायु अस्पताल में भर्ती किया था। मरीज के पास आयुष्मान भारत योजना का कार्ड था। इसके बाद भी हॉस्पिटल प्रबंधन ने उपचार के लिए 3 लाख रुपए जमा करवा लिए। शनिवार की शाम को उपचार के दौरान उनकी मां रुक्मणी बलवानी की मौत हो गई। उसके बाद भी हॉस्पिटल प्रबंधन 3 लाख रुपए और जमा कराने का दबाव लगातार बना रहा था। रुपए जमा नहीं कर पाने पर हॉस्पिटल ने मरीज के डिस्चार्ज पेपर और मृत्यु प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया। योगेश ने जब मैनेजर गौरव बजाज से बात की तो उसने कहा, हम नहीं स्वीकार करेंगे आयुष्मान कार्ड, जिससे शिकायत करनी है कर दो, हम आपको नहीं सरकार को जवाब देंगे, गार्ड इसे बाहर फेंको। वीडियो में धमकाने वाला ये मैनेजर कोई और नहीं, रसूखदार डॉक्टर अजय गोयनका के साले का बेटा गौरव बजाज है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले भी एक ऑडियो वायरल हुआ था। कहा जा रहा था कि यह ऑडियो डॉक्टर अजय गोयनका के साले की आवाज है, जो कह रहे थे अस्पताल का माहौल खराब है, देखा नहीं जा रहा, स्थितियां बहुत खराब हैं, बहुत लोग मर रहे हैं, मैं वापस आ रहा हूं। और अब साले के बेटे की बदतमीजी के इस वायरल वीडियो ने डॉक्टर अजय गोयनका की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। डॉक्टर गोयनका ने इस वायरल वीडियो के मुद्दे पर अपनी सफाई भी दी है। पहले आप इनको सुनिए। वीडियो वायरल करने वाला लड़का की मां 19 अप्रैल से एडमिटेड है चिरायु मेडिकल कॉलेज में। सरकार का ऑर्डर 7 मई को आया है। 7 मई के बाद चिरायु मेडिकल कॉलेज ने आयुष्मान बेनिफिशरीज के आने वाले हर पेशेंट को एडमिट किया है और कई पेशेंट आज भी चिरायु मेडिकल कॉलेज में एडमिटेड हैं, जिसमें मॉडरेट सीवियर निमोनिया, माइल्ड निमोनिया और इवन आज एक पेशेंट का सीजर सेक्शन भी आयुष्मान बेनिफिशियरी का किया गया है। मुझे खेद है कि एक सोशल वर्कर ने जो बात मेरे नाम से कही है वो गलत है।
आज भी चिरायू मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान स्कीम के तहत पेशेंट एडमिटेड है और जब तक मेरा एनपेनलमेंट आयुष्मान स्कीम के तहत रहेगा तब तक चिरायू मेडिकल कॉलेज में पेशेंट्स आयुष्मान बेनिफिशियरी के आगे भी एडमिट होते रहेंगे। तो सुना आपने, लेकिन डॉक्टर गोयनका की यह सफाई गले नहीं उतर रही। डॉक्टर गोयनका के बयान के बाद भी अस्पताल के हालात जस के तस बने हुए हैं। एक और ऐसा ही मामला फिर सामने आया है जिसमें योगेंद्र अपनी दादी का इलाज आयुष्मान कार्ड से कराना चाहते हैं, लेकिन अस्पताल ने पहले 2 लाख रुपए जमा कराए और फिर इलाज शुरू किया। ऐसे में आपदा को अवसर बनाने का आरोप लगना गलत नहीं है। अस्पताल प्रबंधन मानवता को शर्मसार करने का कोई अवसर नहीं छोड़ रहा। मैं कल चिरायू मेडिकल कॉलेज में अपनी दादी सरजू भाई रघुवंशी को लेकर आया हूँ ट्रीटमेंट के लिए। तो मैंने यहाँ पे आकर आयुष्मान कार्ड की बात करी, उसके अंतर्गत आप उनका इलाज कर दीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर जैसे तैसे मैंने 2 लाख रुपए की व्यवस्था करके यहाँ जमा किया। सर हम बिल्कुल सक्षम नहीं हैं कि सर पैसा लगा सकें इतना। और इसके पहले सर अभी आयुष्मान हाईटेक हॉस्पिटल में भी उनका ट्रीटमेंट कराया, 6 दिन तक एडमिट थी वो, वहाँ भी 2.5 से 3 लाख रुपए तक का उन्हें बिल बना दिया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं लगा। सर हम बहुत दूर से विदिशा से आए हैं सर, बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है और पैसों की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। तो सर आपसे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है कि आप आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत उनका इलाज कराने का कष्ट करें। इस मामले की शिकायत भी जब दिल्ली तक पहुंची तो बीजेपी के राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस मामले में दखल देना पड़ा। तब जाकर चिरायु प्रबंधन ने पीड़ित परिवार के पैसे लौटाए। आपको बता दें कि डॉक्टर अजय गोयनका और उनका मेडिकल कॉलेज और उनका चिरायु अस्पताल हमेशा विवादों में रहता है। आरोप है कि चिरायु अस्पताल बड़े तालाब के बैकवाटर एरिया में बना हुआ है। दूसरा आरोप व्यापम घोटाले में डॉक्टर गोयनका बुरी तरह फंस चुके हैं और कोरोना काल में भी इस अस्पताल पर लगातार महंगे इलाज और मनमानी के आरोप लग रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।